जैसा कि हम जानते हैं कि सी में कई लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं हेडरफाइल्स। हेडरफाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रोग्राम के स्टार्ट में ऐड होती हैं, लेकिन टेक्निकली दीस आर द लाइब्रेरीज। दिस लाइब्रेरी या हेडरफाइल प्रोवाइड्स फंक्शन टू परफॉर्म कंप्यूटेशन लाइक स्क्वायर रूट, लॉग, देन एब्सोल्यूट वैल्यू, पावर एक्सेट्रा। बाकी जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो बिना किसी हेडरफाइल के परफॉर्म हो जाएंगे, जैसे प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन जब भी हमें कोई फंक्शन रिक्वायर्ड होगा जैसे लॉग फंक्शन या स्क्वायर रूट फंक्शन, तो वी टू यूज मैट डॉट एच। तो एक तरफ हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसका पर्पस लिख रहे हैं या उसका यूज। तो पहला जो सबसे कॉमन फंक्शन वो है स्क्वायर रूट ऑफ एन, गिव्स स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो जो भी हम नंबर प्रोवाइड करेंगे उस नंबर का हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट। पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई कंप्यूट्स एक्स टू द पावर वाई। तो आज हम जो हाइपोटेन्यूज का प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसमें स्क्वायर रूट का भी यूज होगा और पावर का भी यूज होगा। नेक्स्ट फंक्शन ए बी एस कन्वर्ट्स नेगेटिव वैल्यू टू पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे मैं पढ़ाया गया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन हो सकता है कि पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट छोटे हों, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े हों। तो हम देखते थे एक्स वन माइनस एक्स टू, तो एक्स वन माइनस एक्स टू हो सकता है कि नेगेटिव आए, लेकिन जब हम उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट फंक्शन है ईएक्सपी गिव्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हम 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में बताते हैं e का पावर x, तो e टू द पावर x को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज के लिए हम लिखते हैं exp। नेक्स्ट है लॉग फंक्शन कंप्यूट्स लॉग नेचुरल, जिसे हम क्या कहते हैं, बेस e, क्योंकि नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, e होता है। ऐसे ही फंक्शन को से log 10x computes log base 10। तो आपको डिसाइड करना है कि base 10 कैलकुलेट करना है कि base e कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हमारे बड़े इंटरेस्टिंग फंक्शन वो है sin cos 10। अब अंडरस्टूड की जिस तरह से मैं साइन यूज कर रहा हूँ वैसे ही कॉस भी हो सकता है और टेन भी हो सकता है। जिन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, टेक्स एंगल इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। So we should have to apply the formula to convert radians into, degrees into radians, जो कि हम भी डिस्कस करेंगे। ऐसे तो सो तीन फंक्शन और अवेलेबल हैं, a sin, a cos, a tan of x। Inverse trigonometric function
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस ये हमसे वैल्यू लेंगे और हमें देंगे क्या एंगल टेक्स वैल्यू एंड गिव्स एंगल इन रेडियंस तो साइन का अपोजिट ए साइन कॉस का अपोजिट ए कॉस और टेन का अपोजिट ए टेन और मैंने बताया था कि यहाँ पे ए का मतलब क्या है यहाँ पे ए का मतलब तो है आर्क आर्क साइन आर्क कॉस और आर्क टेन अब हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फंक्शन को जो है साइन एच कॉस एच और टेन एच हमारे जिन फ्रेंड ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया उनका एक सब्जेक्ट है एम1 उसमें आपने पढ़ा होगा हाइपरबोलिक फंक्शंस सो दिस आर द हाइपरबोलिक फंक्शंस तो जिन भी दोस्त ने कॉलेज में पढ़ाए हाइपरबोलिक फंक्शन दे शुड हैव द फॉर्मूला कि कॉस एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है और साइन एच एक्स का फॉर्मूला क्या होता है शायद किसी को याद हो इंटरव्यू में प्रोग्रामिंग स्किल के साथ साथ आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी भी चेक होती है कारण कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है लेकिन मैथमेटिकल एबिलिटी नहीं है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊंगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टू अप्लाई मैथमेटिकल एबिलिटी देन वी टू प्रोग्राम इट तो शायद किसी फ्रेंड को फॉर्मूला याद हो सबसे पहले हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल सीरीज की तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों स्कूल लाइफ में ये एक इनफाइनाइट सीरीज है अब कॉलेज में मैं पढ़ाया गया था कॉस एच एक्स का फॉर्मूला ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन टू साइन एच एक्स का फॉर्मूला था ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन टू तो अब मैं दोस्तों से पूछ रहा हूँ कि टेन एच एक्स का फॉर्मूला क्या होगा क्योंकि अगर आपको हमने साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स बता दी तो डेफिनेटली टेन एच एक्स का आंसर बता सकते हैं आपको क्या होगा आंसर क्योंकि हम जानते हैं कि साइन अपॉन कॉस बिकम्स टेन क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगा हालांकि प्रोग्रामिंग से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है ये तो मैं जस्ट अपने दोस्तों के लिए क्या मान रहा था एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्योंकि इंटरव्यू कुछ भी पूछ सकता है जो कि वो प्रोग्रामिंग ही पूछे प्रोग्रामिंग के अलावा भी आपसे कुछ पूछ सकता है नेक्स्ट जो फंक्शन हम यूज करने वाले दोस्तों वो है राउंड जो कि हम स्कूल लाइफ से सीखते आ रहे हैं राउंड ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू टू नियरेस्ट इंटीजर जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूं राउंड 65.66 तो कितना हो जाएगा ये इसे मैं 66 के लिए 88 कर देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो 66 हो जाएगा जैसा कि हमारे ब्रॉडबैंड के बिल में आता है क्योंकि ब्रॉडबैंड बिल में क्या जीएसटी जुड़ के आता है तो हमेशा फ्रैक्शनल अमाउंट आती है तो हमारी जो बिल कंपनी है वो उसे राउंड ऑफ की हमसे अमाउंट लेती है तो एक बार 1 रुपये एक्स्ट्रा पे कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम 1 रुपये कम पे करते हैं अच्छा अगर यही वैल्यू क्या होती 65 जैसे 44 या एनीथिंग बिलो 5 क्योंकि मैं टीचर ने पढ़ा था स्कूल लाइफ में कि अगर डेसिमल में 5 या उससे अबव हो तो प्लस 1 कर दो नहीं तो फिर वही वैल्यू रहेगी तो उस केस में क्या रहेगा 65 अब जैसा कि मैं कहता था कि फंक्शंस की नॉलेज ना जरूरी है मान लो कि किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छी सी प्रोग्रामिंग सीखी लेकिन उसे ये फंक्शन नहीं आता तो टेक्निकली वो बिलिंग का सॉफ्टवेयर बना ही नहीं पाएगा क्योंकि बिलिंग के सॉफ्टवेयर में किसकी रिक्वायरमेंट है राउंड ऑफ की नेक्स्ट फंक्शन है फ्लोर
always gives nearest integer smaller than given fractional number x. तो टेक्निकली ये भी एक तरह का राउंड ऑफ ही है, लेकिन कैसा राउंड ऑफ? नियरेस्ट इंटीजर विच इज स्मॉलर देन एक्स. जैसे एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे लिख देते राउंड फिगर लिखते फ्लोर, किसका फ्लोर? 65.88. तो यहाँ 66 मिला था फ्रेंड्स, यहाँ 66 नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? नियरेस्ट इंटीजर जो उससे छोटा हो, तो इसका नियरेस्ट इंटीजर जो उसे छोटा हो, तो 65.88 का 88 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है? नियरेस्ट इंटीजर क्या है? 65. तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 65. जैसे से फ्लोर होता है दोस्तों, वैसे एक फंक्शन होता है सील, सेलिंग ऑफ एक्स. अब ये इसका अपोजिट है, ऑलवेज गिव्स नियरेस्ट इंटीजर larger than x. जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लिखते सीलिंग ऑफ 60.5.48, तो राउंड हमने क्या दे रहा था? 65. लेकिन सीलिंग 65 नहीं देगा दोस्तों, सीलिंग हमेशा क्या देगा? 66, क्योंकि ये हमेशा वैसी वैल्यू फाइंड करेगा जो उसके नियरेस्ट हो. कारण क्योंकि ब्रॉडबैंड कंपनी जब हमें बिल देती है तो दे कैन नॉट डू द फ्लोर, क्योंकि उसमें उनको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, क्योंकि सिंस दे हैव लैक्स ऑफ कस्टमर्स. तो हमेशा वो क्या अप्लाई करते हैं? सीलिंग, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं. अच्छा, आप कैंपस में क्वेश्चन आता है दोस्तों, गिवन परसेंट इज नोन एज रिमाइंडर ऑपरेटर इन सी, सी प्लस प्लस. तो सी, सी प्लस में जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है तो हम करते हैं परसेंट. जैसे एग्जांपल, 5% 2 गिव्स 1, ठीक है, 2% 5 गिव्स 2, बट वॉट यू गेट व्हेन यू गिव, वॉट यू गेट फॉर 5.5% 2. ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन कब आया था दोस्तों? ECIL में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो हमारे जितने भी ईसी ब्रांच के फ्रेंड्स हैं वो इस एग्जाम को देते, तो उसमें क्वेश्चन आया था. इसको हम समझते हैं. तो रिमाइंडर ऑपरेटर वर्क कैसे करता है, देखिए पहले इसको समझे हम. 5% 2 दिया गया, यानी 5 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 जा 4, ये कहलाता है रिमाइंडर. और ये कहलाता है कोशेंट. हमें कोशेंट से मतलब नहीं, हमें कैसे मतलब है रिमाइंडर से. तो रिमाइंडर क्या होगा इसे हम नॉन टेक्निकली कैसे समझा सकते हैं? कि मेरे पास 5 एप्पल हैं और दो ही दोस्त बैठे हैं और दोनों को मुझे इक्वल नंबर ऑफ एप्पल्स देने, नॉन फ्रैक्शनल एप्पल्स देने हैं. तो दो एप्पल मैंने एक दोस्त को दे दिए, दो एप्पल दूसरे दोस्त को, एक मेरे पास बचा रह गया. अब मेरे पास कल दो ही एप्पल हैं दोस्तों और 5 फ्रेंड बैठे हुए हैं, मैं किसी को भी एप्पल नहीं दूंगा क्योंकि नॉन फ्रैक्शन नॉट अलाउड, हमें फुल्ली देना है. अब फुल्ली दूंगा तो दो ही दोस्तों को दे पाऊंगा, बाकी 3 दोस्तों को तो एप्पल मिलेगा ही नहीं. तो बेहतर है कि मैं किसी को भी एप्पल ना दूं, अपने पास ही रख लूं, दैट बिकम्स द रिमाइंडर. क्योंकि 0 इज ऑल्सो नंबर, तो 0 टाइम्स डिवाइड होगा. अब 5.5% 2 दिया गया है, मान लीजिए कि मैं जावा में बैठा हूं,
या सी शार्प में बैठो तो वर्क कर जाएगा भाई। हम जानते कि टू टू जा फोर, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1.5, लेकिन किस में, या सी शार्प में। लेकिन दोस्तों सी सी प्लस में एरर आ जाएगा। रीजन क्या है, परसेंट ओनली वर्क्स विथ इंटीजर, कारण कि सी बना था 1972 में, जावा बना 1995 में, तो बहुत सारे ईयर्स का डिफरेंस है। तो जितनी भी हमारी लिमिटेशंस थी सी लैंग्वेज की वो ओवरकम कर दी गई जावा में। तो जावा में तो टेक्निकली हम फ्रैक्शनल नंबर का निकाल सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन सी में नहीं निकाल सकते। लेकिन क्वेश्चन आता है ECIL में कि कैसे निकालोगे। तो दोस्तों सी लैंग्वेज में एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ मोड, 5.5.2 ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि सी लैंग्वेज में आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो, तो सी में कौन सा फंक्शन, एफ मोड। तो टेक्निकली ECIL किस फंक्शन पे फोकस कर रहा है, एफ मोड, कि जावा में डायरेक्टली निकल जाएगा फ्रैक्शनल नंबर्स का मोड। लेकिन सी लैंग्वेज में अगर हमें फ्रैक्शनल नंबर्स का मोड निकालना, तो व्हाट वी टू यूज, एफ मोड। तो दोस्तों ने इसका आंसर देखा, वी गेट एरर 5.5% गिव्स एरर इन सी सी प्लस प्लस, 1.5 इन जावा एंड सी शार्प। तो जावा में तो बिल्कुल वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। रीजन मैंने क्या बताया, इन सी प्लस प्लस रिमाइंडर ऑपरेटर ओनली वर्क्स विथ इंटीजर, नॉट विथ फ्लोट। फ्लोट मींस फ्रैक्शनल नंबर्स। तो सॉल्यूशन क्या है मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन इज फंक्शन 13 जिसका नाम क्या है, एफ मोड एक्स कॉमा वाई कंप्यूट्स फ्लोटिंग मोड फॉर एक्स परसेंट वाई। यानी जो काम हम एक्स परसेंट वाई से करना चाहते थे वो हम किससे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एफ मोड एक्स कॉमा वाई। जैसे मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा था दोस्तों के लिए, क्या एफ मोड 5.5.2। तो टेक्निकली ECIL में जब ये क्वेश्चन आया था तो हमें टेक्निकली आंसर क्या लिखना था, कि ऐसा ये काम नहीं करेगा, इसको हम इससे सॉल्व करेंगे। अब एक बार हमने फंक्शंस की लिस्ट पढ़ ली है तो अब हम कुछ एग्जांपल प्रोग्राम सीखना चाहेंगे। तो पहला जो प्रोग्राम फेवरेट है वो है हाइपोटेन्यूस, और आप से जितने भी फ्रेंड स्कूल लाइफ में पैदल जाते हो स्कूल, वो सभी हाइपोटेन्यूस के बारे में सोचते थे। जैसे मेरे स्कूल में क्या थी, दो गलियां थी भाई, पहले एक गली चलो फिर दूसरी गली। तो मान लो कि एक गली 1 किलोमीटर की है और दूसरी गली मान लो 2 किलोमीटर की है, तो मैं सोचता है काश एक शॉर्टकट रास्ता होता जिससे मुझे दो गलियां ट्रेवल नहीं करनी पड़ती, दैट बिकम्स हाइपोटेन्यूस। तो पहले हमेशा की तरह हम लॉजिक समझेंगे फिर उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। दोस्तों से कहते 20 और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये मैं खड़ा हूं दोस्तों और ये मेरा स्कूल है, तो हमेशा मुझे दो रास्ते ट्रेवल करके जाने पड़ते थे। लेकिन सोचते हैं काश ऐसा कोई रास्ता होता
तो मेरा काम आसान हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। और हम सभी जानते कि एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने इसका सॉरी इसका फॉर्मूला निकाला। तो उन्होंने फॉर्मूला क्या निकाला कि अगर आप एच निकालना चाहते तो हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मान लो कि मेरे किसी फ्रेंड ने आज की क्लास मिस कर ली तो उस प्रोग्राम को नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये निकालने के लिए क्या यूज होगा और ये निकालने के लिए क्या यूज होगा और इन दोनों के लिए लाइब्रेरी कौन सी चाहिए। हम समय को बदलते हुए मान के चलते कि 29 सितंबर 2022 और आप मुझसे पैथन सीख रहे हो तो भी फिर से सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन में सी में यूज कर रहा हूँ सेम यही फंक्शन किसमें यूज होता है? पैथन। अब मैं प्रोग्राम बनाना है। अब प्रोग्राम बनाने का मेरा तरीका डिफरेंट है दोस्तों। मैं हमेशा लॉजिक देखता हूँ कि लॉजिक में क्या हो रहा है। तो लॉजिक में हमें क्या चाहिए? पी और बी। तो ऐसे शून्य में सोचता हूँ कि टीचर ने कभी मुझे कुछ इनपुट करने का तरीका सिखाया कि नहीं। हाँ तो सिखाया कि जब भी मैं इनपुट लेना तो क्या लिखते हैं स्कैन एफ। अब मैं सोचता हूँ कि डिस्टेंस पॉइंट्स में हो सकता है या नहीं। डेफिनेटली हो सकता है पॉइंट्स में, तो मैं इंटीजर यूज नहीं करूंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मुझे अप टू 6 डेसिमल तक कैलकुलेट करनी हो तो फ्लोट इज गुड, लेकिन अगर मुझे 16 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेटली आंसर चाहिए तो इट इज बेटर टू यूज डबल डेटा टाइप। तो क्योंकि मैं साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आई प्रेफर डबल डेटा टाइप। तो पहले मुझे क्या पूछना है? परपेंडिकुलर। तो कल हमने पढ़ा था दोस्तों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, इंटीजर के लिए परसेंट डी और डबल के लिए क्या यूज होता है? परसेंट एलएफ। तो परपेंडिकुलर मिल गया। अब जैसे परपेंडिकुलर मिल गया वैसे में क्या इनपुट करवाना है? बेस। तो अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है बेस भी पता है, अब हमें ये इक्वेशन लिखनी है। तो ये इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? h इक्वल टू स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट? पावर ऑफ p कॉमा 2 कॉमा पावर ऑफ b कॉमा 2। अब इसको एक और तरह से लिख सकते क्या? h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p इंटू p प्लस b इंटू b, क्योंकि पावर 2 का मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर हम ऐसा भी निकाल सकते। अच्छा पर प्रिंट करना है क्योंकि डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट f। जैसे हम कल प्रिंट करे थे सम, सम इक्वल टू पॉजिटिव कॉमा c लिख रहे थे। अब हम जानते कि यहाँ पे वेरिएबल का नाम c नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? h। यहाँ पे हम सम प्रिंट नहीं करवा रहे, यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हाइपोटेन्यूस। और हम जानते कि यहाँ पे परसेंट d नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? परसेंट lf। तो टेक्निकली मेरा प्रोग्राम बन गया है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो सी लैंग्वेज का रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि जो जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे उनको डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी टाइप लैंग्वेज हमारी सी लैंग्वेज, हमें बताना पड़ेगा क्या क्या हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए? पी बी एच, और साथ साथ डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। तो डेटा टाइप उनका क्या है? डबल। तो सिस्टम को हम बताना है कि वी रिक्वायर 3 वेरिएबल्स ऑफ टाइप डबल। अभी प्रोग्राम कंप्लीट है, इसे रन किया जाए। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और कोड बॉक्स में से पेस्ट कर लेते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन क्या है कि वी हैव टू डिफाइन मेन फंक्शन, क्योंकि एंट्री हमेशा कहाँ से होगी? मेन फंक्शन से। अच्छा ये हमेशा मैं लास्ट में सोचता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर प्रोग्राम में आना ही आना है। लेकिन हम जानते कि हम यहाँ पे दो लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए, तो यूज किया स्कैन एफ और दूसरा हमें यूज किया स्क्वायर रूट। तो दो लाइब्रेरीज चाहिए, तो पहली लाइब्रेरी कौन सी चाहिए? stdio.h। और सेकेंड लाइब्रेरी कौन सी चाहिए दोस्तों? math.h। तो यहां से हमें मिल जाएगा printf scanf और यहां से हमें क्या मिल जाएगा friends? square root और power। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं और इसे रन कर लेते हैं। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है फ्रेंड्स,
अभी डेवलपर भी मैं हूँ, क्लाइंट भी मैं हूँ, तो मुझे पता है कि व्हाट आई हैव टू डू। तो मुझे तो परपेंडिकुलर में 3 बहुत पसंद है और बेस में मुझे 4 बहुत पसंद है। तो जहां पहले मैं 3+4 7 किलोमीटर ट्रेवल करता था, हाफ ऑफ दिन समझे कि कितना ट्रेवल करना पड़ता, केवल 5 किलोमीटर। लेकिन जब मैं सॉफ्टवेयर में क्लाइंट को बेचूंगा तो क्लाइंट को क्या पता कि क्या इनपुट करना है। तो हम क्लाइंट को असिस्ट करना चाहते हैं तो हम क्लाइंट को एक मैसेज कर देंगे, प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, या कुछ भी पैसे आप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं एंटर 20। तो टेक्निकली प्रिंटिफ इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू आर द डेवलपर एंड यू आर द क्लाइंट, बट इफ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू समवन एल्स, यू शुड हैव टू डिस्प्ले सम मैसेज टू असिस्ट द क्लाइंट कि व्हाट टू डू। अब इसे रन करते हैं। नाउ दिस इज मच मोर मीनिंगफुल। क्या लिखा गया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने कहा जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 और बेस में मैंने कही 8, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर परपेंडिकुलर 6 और बेस 8 हो तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, सचिन से एसोसिएटेड वो आंसर। सचिन से क्या एसोसिएट है, 10, तेंदुलकर, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 36 100 और 100 का स्क्वायर रूट 10। हमें डिस्कशन करना है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जिसमें यूजर से मैं क्या पूछने वाला हूँ, एंगल इन डिग्रीज, और क्या फाइंड करने वाला हूँ, साइन वैल्यूज। अब जैसे मैं साइन वैल्यू फाइंड करूंगा वैसे हम घर में कॉस वैल्यू भी ट्राई कर सकते हो, साइन वैल्यू भी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सी सी प्लस जावा टेक्स एंगल इन रेडियंस, जबकि यूजर में दे क्या रहा है, डिग्रीज। तो हमें स्कूल लाइफ में टीचर ने पढ़ा था 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। सो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियंस। तो कोई हमें डी डिग्रीज दे दे, डी नंबर ऑफ डिग्रीज, तो क्या हो जाएगा, डी इंटू पाई अपॉन 180। जैसे एग्जाम्पल हमें किसी ने 90 डिग्री कहा, तो 90 डिग्री बराबर हमने स्कूल में पढ़ाया था मैम ने 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो क्या बचता था 200, पाई बाय 2। तो हम सबको पाई बाय 2 बड़ा पसंद था, क्योंकि पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, 3 पाई बाय 2 मीन्स 270 डिग्री। तो टेक्निकली वी शुड रिक्वायर दिस फॉर्मूला टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस। अब प्रोग्रामिंग बनाने से पहले में बनाना पड़ता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप बड़ी कंपनीज में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप जो टीम लीडर होंगे, मेंटर होंगे, दे ओनली डिजाइन लॉजिक फॉर यू एंड बेस्ड ऑन दोस लॉजिक यू टू परफॉर्म कन्वर्जन। अब वो कन्वर्जन टाइप स्क्रिप्ट में भी हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट में भी हो सकता है, पैथन में भी, किसी में भी हो सकता है, बट द लॉजिक विल रिमेन सेम। तो सबसे पहले मैं यूज से क्या पूछना पड़ेगा, इनपुट डी यानी डिग्रीज। लेकिन परेशानी क्या है कि हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेडियंस। तो रेडियंस बराबर क्या आएगा, डी इंटू पाई। अब हम सी लैंग्वेज में ऐसा लिखेंगे, मैथ अंडरस्कोर पी आई, सॉरी एम अंडरस्कोर पी आई अपॉन 180। तो यहां पर मैं क्या सीखा, इन सी एम अंडरस्कोर पाई डिफाइंड इन वॉट मैथ डॉट एच।
है इस पाई। यहाँ पे मेरे पास पाई का सिंबल बनाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मैं सिंपली पाई लिख देता हूँ। तो जब भी मैं सी लैंग्वेज में पाई का वैल्यू निकाला, तो व्हाट वी कैन राइट एम अंडरस्कोर पी आई बट इन कैपिटल लेटर्स। तो जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे फंक्शंस की, वहां पे हम इसको भी ऐड कर सकते थे कि जब भी हमें पाई की वैल्यू चाहिए तो व्हाट वी कैन यूज एम अंडरस्कोर पी। अब हमें डिग्रीज पता था, हमने डिग्रीज को किसमें कन्वर्ट किया, रेडियंस में। नाउ व्हाट वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड वैल्यू। तो वैल्यू बराबर क्या आएगी दोस्तों, वैल्यू बराबर साइन रेडियंस। यहां मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूं, डिग्री तो यूजर ने दिया था, लेकिन डिग्री को हम किसमें ट्रांसफर कर चुके हैं, रेडियंस में। और हम अंत में क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू। और फिर क्या दोस्तों, तो टेक्निकली इसे मैं फिगर से समझाना चाहूं, तो टेक्निकली इसका फिगर क्या हुआ, इसका फिगर हुआ कि ये क्लाइंट है, क्लाइंट कीबोर्ड की मदद से कुछ डेटा देगा, ये कीबोर्ड है जैसे उसने 90 डिग्री दे दिया, और इसको मैं डी में स्टोर किया हुआ है। हमारा जो प्रोग्राम है इसे किसमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट टू रेडियन में। और इसे किसमें स्टोर करेगा, आर में। तो ये वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, पाई बाय टू। हालांकि मुझे वैसा लिखना चाहिए, लेकिन अभी मैं सिंपली पाई बाय टू लिख रहा हूं। फिर हमारे प्रोग्राम में क्या किया दोस्तों, कंप्यूट किया, क्या कंप्यूट किया, साइन पाई बाय टू। समझने के लिए तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूँ। और ये वैल्यू किसमें स्टोर करी, वी नाम के वेरिएबल में। और अल्टीमेटली हम डिस्प्ले कैसे करवा रहे हैं, वी आर डिस्प्लेइंग। तो यहां टेक्निकली टीचर ने ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने डिग्री को किसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया, रेडियंस में, तब जाके कैलकुलेशंस परफॉर्म। और जिसको हम सिंपल मैथमेटिक्स में पाई बाय टू कहते थे, उसको हम प्रोग्रामिंग में ऐसा लिख रहे हैं। तो ये जो पाई बाय टू में लिख रहा हूं, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपली। अब इसकी प्रोग्रामिंग की जाए तो लॉजिक समझ में आ गया, तो प्रोग्रामिंग आसान है। आज हम जितने भी कैलकुलेशन करें सब साइंटिफिक हैं, और साइंटिफिकली हम क्या पसंद करते हैं, डबल डेट पाई। तो मैं फिर से स्टूडेंट बन गया, तो टीचर ने लॉजिक में लिखा कि मुझे इनपुट डी करवाना, तो मैंने बस पी को क्या बना दिया। अब मुझे यूजर से आर नहीं पूछना है, मुझे आर को कंप्यूट करना है, तो ये मैंने आर कंप्यूट कर लिया। अब मुझे आर पता चल गया, तो मैं वैल्यू कंप्यूट करना चाहूंगा, तो मैंने वैल्यू कंप्यूट कर दिया। और फिर टीचर ने मुझे हाइपोटेन्यूज प्रिंट करना सिखाया था, अगर हाइपोटेन्यूज प्रिंट करना सिखाया तो मैं डेफिनेटली इसको भी प्रिंट कर सकता हूँ। बस यहां मैं लिख दूंगा साइन वैल्यू इक्वल टू, और फिर यहां पे हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो क्या भी? अब ऐसे स्टूडेंट में सोचूंगा कि क्या क्या वेरिएबल्स मैंने यूज किए, तो क्या क्या यूज किया, तो यूज किया हमने डी, दूसरा मैंने क्या यूज किया आर, और तीसरा मैंने क्या यूज किया वी। तो हम सिस्टम को इन्फॉर्म करेंगे कि हमें तीन वेरिएबल चाहिए, क्या डी आर वी। प्रोग्राम तैयार, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ इसके अंदर ही आना है, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। अगेन इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, इसे रन कर लेते हैं। अब मैं ही क्लाइंट हूँ, मैं ही डेवलपर हूँ, तो मुझे किसी मैसेज की जरूरत है, तो मुझे 90 डिग्री बहुत पसंद है, क्योंकि साइन 90 में हम जानते हैं कि वैल्यू क्या आती है, 1.00। लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितने डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, 6 डेसिमल प्लेसेस। तो जब भी हम परसेंट एफ लिखते हैं या परसेंट एल एफ लिखते हैं, तो हमें कितने डेसिमल मिलते हैं, 6 डेसिमल्स।
लेकिन टीचर ने मुझे कहा भाई मुझे तो केवल 2 ही डेसिबल चाहिए, तो व्हाट आई कैन राइट 0.2 LF, तो अब क्यों मैं कितने डेसिबल मिलेंगे 2। अब इस सॉफ्टवेयर में क्लाइंट को बेचना चाहता हूँ तो उसके इसमें मैं क्या लिखूंगा, एंटर एंगल इन डिग्रीज। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जितने भी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, उसमें मेन प्रोग्राम पहले से लिखा होता है और उसमें साफ लिखा होता है कि प्लीज डू नॉट राइट प्रिंट एफ इनपुट ए वैल्यू। आपको प्रोग्राम कहाँ से शुरू करना पड़ता है, स्कैनएफ से। कारण क्योंकि ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें टेस्टिंग इंजिन होती है, टेस्टिंग इंजिन अपनी तरफ से इनपुट कर लेती है, तो बस हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, स्कैनएफ। ये तो जब मैं क्लाइंट को सॉफ्टवेयर बेचूंगा तो उसको असिस्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। तो किसी भी ऑनलाइन टेस्टिंग इंजन में देयर इज नो नीड टू राइट दिस लाइन, यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम विच लाइन, स्कैन। अच्छा, कुछ टेस्टिंग इंजन में वेरिएबल भी ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं, तो आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं सोचना, आपको फिर कितना ऐसा सोचना है, फिर इतना ऐसा सोचना है। इसे कंपाइल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अब सेकंड मुझे पसंद है दोस्तों, साइन 30। कितना आता है साइन 30 में, 1/2, यानी कितना 0.5। अब इससे जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड करना चाहो, उतनी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते।